हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुमंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेम विंडो पे हम मल्टीपल सीट्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि टाइल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कैसे यूज करते हैं, वर्टिकल, कास्केड एंड सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। तो इनके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई सीट ओपन करेंगे। कंट्रोल एंड प्रेस किया हमने, नई सीट ओपन हो गई। एंड यहाँ पे मैं इस विंडो से ही कॉपी कर लेती हूँ कुछ फाइल्स एंड देन इसमें पेस्ट, ताकि आपको समझ आए कि हाँ इसमें भी कुछ हाईलाइट होता है। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट हमें इन दोनों फाइल्स को अरेंज करना है, ताकि ये दोनों फाइल हम कंपेयर कर सके इन अ सिंगल व्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे मेन्यू बार है, मेन्यू बार में हम व्यू पे जाएंगे। एंड व्यू पे जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है व्यू साइड बाय साइड, इसको हमने क्लिक किया। इतना करते ही आप देखें कि हमारी दो सीट्स ओपन हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी दो फाइल्स एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे 25 टाइप किया है, 20 टाइप किया है, यहाँ पे आपने 30, 25, 440 ये आपने टाइप किया है, और आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे जो भी टाइप किया, बट आप चाहते हो कि ये वैल्यू हमारी सेम इसमें हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो आप इजिली आप कंपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपने जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू एंड देन इस सेल को तुरंत सेलेक्ट किया सिर्फ और देन एंटर। इतना करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे शो हो रही है वैल्यू। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आपका चेंज होता रहेगा। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि शो हो क्लियरली। यहाँ पे मैं देख रहे हैं आप अगर चेंज कर दूँ 95, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो सीट कंपेयर करने में इजी हो जाता है हमारे लिए। ये हमारे हो गए टू सीट्स को कंपेयर करना। एंड देन अब हम देख लेते हैं ये टाइल क्या होता है। इसके लिए अगर हम फिर से जाते हैं टाइल, मैं आपको बता दूं कि हम मल्टीपल सीट्स को सेम साइज में कंपेयर कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास और भी कई सीट्स हों ओपन, ये सीट्स हो गई, ये सीट ओपन हो गई। अब आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 4 फाइल्स हैं, और मैं चाहती हूँ ये चारों फाइल्स को सेम स्पेस मिले और सेम विंडो पे शो हो, हम सिंगल व्यू में देख सके। इसके लिए हमें फिर से जाना है सिर्फ व्यू एंड देन अरेंज ऑल, विंडो में अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल पे हमने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे है टाइल, हमने टाइल पे क्लिक किया एंड देन ओके। ये देखिए आपकी चारों फाइल्स सेम साइज में आपके सामने, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे भी वर्क हो या यहाँ पे भी वर्क हो, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारी जो भी फाइल्स हैं एक साथ स्क्रॉल करते हो तो इस पर भी स्क्रॉल होगा। ओके, तो मतलब हम साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग हटाना चाहते हैं, तो इस पर हम अगेन क्लिक करेंगे और ये आपकी स्क्रॉलिंग हट गई है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये यहाँ तक हो गया, अब हम देखते हैं कास्केट क्या होता है। कास्केट के लिए हम सीधा फिर से व्यू एंड अरेंज ऑल पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे कास्केट एंड देन ओ। कास्केट करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जितनी भी सीट्स हैं ये चारों सीट्स एक साथ हमेशा हो रही हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एच ई वुडन एलिमेंट बुक 4 एन अटेंडेंस लाइव एंड देन बुक 3। तो हम जिस पे भी अगर हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इस पे कर रहे करते हम चाहते हैं कि हमें इस पे वर्क करना है, तो आप इस पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है एंड ये देखिए आपके साइड बाय साइड सारी सीट्स आपको शो होंगी इन अ सेम विंडो, इन अ सिंगल व्यू। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।